नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल पर। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर होंडा जैज का VX वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर। और जानते ही हैं आप, जैज एक बहुत ही शानदार गाड़ी है फीचर्स और कंफर्ट वाइज। आगे आपको दिखाएंगे इसका डिटेल्स रिव्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, और हमारे साथ हैं केशव भाई। आप सभी की डिमांड पर दोबारा, बहुत से लोग जो कमेंट कर रहे थे कि केशव जी दिखाई नहीं दिए हैं, तो आज हमारे साथ फिर से हैं केशव भाई, और आपको बताएंगे गाड़ी के बारे में। यानी सबसे पहले हम एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, फिर इंटीरियर के बारे में ऑल डिटेल शेयर करेंगे। प्राइस एक्सो देख सकते हैं, यहाँ पर होंडा का ये लोगो है, ये लोगो और ग्रिल्स वगैरह आप देखिए जाएंगे, और देखिए कितना शानदार यहाँ पर आपको इस नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्रोम इसकी ग्रिल जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसके अलावा जैज का यहाँ पर नाम और पूरा दिखाइए इसे, और इसके अलावा इसे हेड लैम्प्स वगैरह इसके। और अब दिखाते हैं आपको इसका साइड प्रोफाइल, R15 यहाँ पर आप टायर साइज यहाँ पर देख सकते हैं इसका देखिए, और इसके अलावा यहाँ पर ORVM देखिए इसका, अंदर से फोल्ड इसमें है, क्रोम हैंडल आपको मिल जाएगा इसमें, स्मार्ट डोर एंट्री मिल जाएगी क्रोम हैंडल के साथ, ये क्रोम हैंडल के साथ में स्मार्ट डोर एंट्री जो है यहाँ पर देखिए। इस पर आप देखते चलिए, काफ़ी अच्छा कलर है, वाइट कलर वैसे भी अच्छा लगता है गाड़ियों के अंदर। और बैक प्रोफाइल पे चलते हैं, तो आइए साइड में यहाँ से दिखाने के बाद, इसमें आपको पीछे LED लाइट्स मिल जाएगी, टेल लैंप पाइप, ये LED लाइट्स हैं, जला के दिखा दो एक बार, आपको दिखाते हैं ऑन करके LED लाइट्स इसकी, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे, देखिए आपको निगाह यहाँ पड़ रहा होगा पूरा जो है। और बैक में आइए, यहाँ पे इसका लोगो, इसका बूट स्पेस हो जाएगा, 354 लीटर का बूट स्पेस है, कितना 354 लीटर का बूट स्पेस, 354 लीटर का बूट स्पेस, तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। ये पार्शल शेप दे रखी है, और यहाँ पर इसकी पार्शल ट्रे देखिए, और ये सेंसर वगैरह तो है ही क्या, अगर सामान ज्यादा रखना है, आप कम लोग हैं तो इन्हें फोल्डेबल कर सकते हैं इस तरीके से, तो बूट स्पेस काफी हो। इधर आ जाइए, साइड फ्रंट की बात करूं आपको, इसमें सीट एडजस्टमेंट 50mm तक मिल जाता है आपको, 50mm तक, और आगे पीछे आप 60-40 कर सकते हैं, 60-40 स्प्लिट है, यानी स्प्लिट 60-40, बहुत बढ़िया इस तरीके से। इसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाएगा इसमें, आपको देखिए आप फोल्डेबल कर सकते हैं, और उसको एडजस्ट करना है तो आप R फॉर राइट इस तरीके से, और L फॉर लेफ्ट, अब मिरर साइड लेफ्ट, मिरर का एडजस्ट जो ऑटोमेटिक है यहाँ से इस तरीके से। स्टीयरिंग्स पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, बताइए डिटेल में जो है। इसमें आप वॉल्यूम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से सोर्सेज चेंज कर सकते हैं आप, FM से ब्लूटूथ से FM पे आ सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रेंड बात करता हूँ आपको क्रूज कंट्रोल की, क्रूज कंट्रोल एक एडवांस फीचर है जो जैसे कि आप सभी एडवांस गाड़ियों में आ रहा है आजकल, तो नॉर्मल 40 स्पीड पे आप गाड़ी सेट कर सकते हैं, उसके बाद क्रूज अगर आप लगा देते हैं, क्रूज मेन लिखा हुआ है, यानी जैसे हाईवे पे जाते हैं वहाँ पे खास तौर से जो सिंगल पे क्रूज मेन लिखा हुआ आएगा, जब सेट हो जाएगा क्रूज सेट हो जाएगा, उसके बाद 40 की स्पीड पे सेट करें, स्टीयरिंग कंट्रोल करनी है आपको, बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं करना, और पैर हटा लेने हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक चलती रहेगी, ऑटोमेटिक चलती रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ आपको, ऑटो AC मिल जाएगा टच स्क्रीन के साथ, टच पैनल के साथ, ये टच पैनल वाला टच पैनल आपको AC मिल जाएगा, यहीं से कर सकते हैं, यहीं से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम है 7 inches का, यहाँ पे आप पूरा अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ है, एंड्रॉइड ऑटो के साथ पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइट दे रखी है, केबिन लाइट भी, और आगे लाइट भी दे रखी है, रियर में फ्रंट में दोनों में लाइट है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ड्राइवर के लिए जो डिस्प्ले होता है, मेन चीज में क्या क्या डिस्प्ले हो रही है, डिस्प्ले में इसमें आपको सारा कुछ शो करेगा, स्पीड और क्या क्या इसमें क्या है, जैसे डोर्स खुला है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हैंड ब्रेक के सिंबल आ रहे हैं, सारी चीज़, टेम्परेचर भी दिखा रहा है आपको, किलोमीटर भी दिखा रहा है, ट्रिप मीटर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फ्यूल के बारे में भी आपको बताएगा, सारा कुछ इसमें बताएगा। यहाँ पर एक डिजिटल है, राइट, एक आपको ग्लास होल्डर भी मिल रहा है यहाँ पे, आप लाइक कुछ भी ग्लास होल्डर वगैरह आप रख सकते हैं। उसके बाद 1 लीटर के बोतल होल्डर दे रखे हैं, और फोर डोर्स पर, अब देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको को ड्राइवर वाली साइड में, सही बता रहे हैं आप केशव भाई, देखिए यहाँ पे 1 लीटर का पूरा आराम से बोतल है, यानी नाम के लिए स्पेस नहीं है मेन चीज से, और ये है ड्राइवर साइड वाली में। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइवर विंडो मिल जाती है, ये देखिए लाइक इस तरीके से ड्राइवर विंडो आपको मिलेगी इसमें ऑटो के साथ, अच्छा ये देखिए अप एंड डाउन दोनों है,
एक बार कनेक्ट करने पर अप और डाउन होने वाला सिस्टम जो होता है, दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अप हो गई, अब डाउन करने है तो आप ऑटो करेंगे डाउन हो जाएगी। हाँ बहुत अच्छा। इसके बाद आपको चारों कॉर्नर पे आपको एक ग्रिप्स मिल जाती है असिस्ट ग्रिप पकड़ने के लिए। हाँ ये चारों कानों पे है नॉर्मली जैसा होती है गाड़ियों में, ठीक है। उसके बाद आपको गाड़ी में सीट पिलर दे रखे हैं विजिबिलिटी के लिए, ताकि आपको और अच्छी विजिबिलिटी दिखे। आप रोड पे जब ड्राइव करें गाड़ी तो पूरी आपको साइड दिखे। सी पिलर आपको ये दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर व्यू है सामने इसमें जो। ये साइड में है तो सही, साइड देखने के लिए बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। होंडा जैज के अंदर आप देखिए तो यानी जो ब्लाइंड स्पॉट आता है तो ब्लाइंड स्पॉट वाली दिक्कत नहीं रहेगी फ्रेंड्स। में सबसे बढ़िया बात ये है कि जो यहाँ पे आप गाड़ियों में देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है जब भी आप टर्न करते हैं गाड़ी खासतौर से, तो वो नहीं है दोनों साइड में। ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा इस गाड़ी और में। एक इसमें आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाता है गाड़ी में, जिससे आप कम्फर्ट तरीके से आप बिल्कुल कम्फर्टेबली चला सकते हैं गाड़ी कहीं लॉन्ग ड्राइव। नीचे इसमें वो भी दे रखा है, छोटा मोटा अपना अनसोल आइटम वगैरह रख सकते हैं। लाइक ये में भी काफ़ी स्पेस दे रखा है फ्रेंड्स, बहुत स्पेस है। हाई सपोर्ट, लेग रूम काफ़ी है, हेडरूम भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्ट है गाड़ी में। इंटरनेशनल कार है ये, होंडा फिट के नाम से बिकती है यूएस के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में फिट के नाम से सेल होती है, होंडा फिट के नाम से सेल होती है। सीटें बड़ी कंफर्ट वाली हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब जो ऐसा फीलिंग निकाले और हर चीज़ में आ गए हैं अपने सेगमेंट में सबसे ऊंची। और फ्रंट पे तो आपको हेडरेस्ट ये दिख ही रहे हैं, इसके अलावा पीछे भी काफी अच्छा स्पेस, कंफर्ट, लेग रूम सारा कुछ है। आपको देखिए लेग रूम बहुत बेटर है, अगर मैं पीछे सीट भी यहाँ पूरी कर ली है तब भी काफी अच्छा स्पेस रह रहा है। पीछे फिनिशिंग भी काफी शानदार दे रखी है, ब्लैक ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है। आप देखें तो इस तरह दिखाई है, जिस तरह ये देखिए फ्रेंड्स, और प्लास्टिक भी बहुत सॉफ्ट, डैशबोर्ड ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल कार है, कुल मिलाकर पूरा आनंद है। ये आपके जो नी है बिल्कुल बेंड नहीं होंगे इस गाड़ी में पीछे बैठ के, यानी पीछे बैठने वाला आदमी कंफर्ट से सफर करेगा, दिक्कत नहीं है। लॉन्ग ड्राइव पे कहीं भी जा रहा है उसे टेंशन नहीं होगी, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा बात करें थोड़ा सा इसके एक्स शोरूम के बारे में, जो ये मॉडल है बीएक्स मॉडल है हमारा, ये बीएक्स मॉडल है। अच्छा तो एक्स शोरूम प्राइस क्या है इसका, एक्स शोरूम जानना है हमें तो केवल, जो है बाकी वो तो स्टेट के हिसाब से डिफरेंस आ जाएगा। ऑनरोड बात करूं तो आपको 10 लाख रुपए का पड़ेगा, लगभग 885 की समथिंग इसके एक्स शोरूम है। बहुत बढ़िया चल रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स हमने आपको आज दी होंडा जैज के VX वेरिएंट के बारे में डिटेल्स, अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केशव भाई का नंबर भी दिया जाएगा, और खास तौर से अगर आप वेस्ट यूपी से हैं तो बिल्कुल आप इनसे मदद ले सकते हैं गाड़ी खरीदने के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।